अगर कुछ कुछ समय के लिए आपका भी मतलब जब तक थिएटर से भी आप जुड़े रहे उस समय भी थोड़ी एक वामपंथी सोच की बात होती थी, आज की तारीख में अपनी सोच स्पष्ट कर देना और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर हम ले लें तो दो अलग अलग धड़ों में बटे हुए भी दिखते हैं, तो ये सोच रहनी चाहिए? कई लोग कहते हैं साहित्य में इसकी जगह नहीं है और कई कहते हैं कि साहित्य इससे अछूता क्यों रहे। पहली बात तो बतला दूं, बहुत जोर से बताना चाहता हूं कि वामपंथ नाम की चीज से मेरा नमस्कार है। मैं था कभी, मैं बोलते बोलते थक गया, वामपंथ से मैं चट चुका हूं। वामपंथ ने बुराई किया है मेरा, वामपंथ ने मुझे वो सोची गलत लगती है ना। और दूसरी बात यह है कि सच बोलना और खरी खरी बात बोलना ये वामपंथ की बपौती नहीं है। वामपंथियों ने बहुत बुरा किया, मेरा तो कम से कम बुरा किया। वामपंथ खरी खरी बात बोलना, सच बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, साफ साफ बोलना, ये वामपंथ की बपौती नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ, पीयूष मिश्रा बोल रहा हूँ और पीयूष मिश्रा ही बोलता है। और मुझे इस चीज में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो है मैं किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। और ऐसा बहुत कम तबका है जो कि चोट खाता है, और जो चोट खाते हैं वो वाकई चोट खाने लायक हैं, वाकई चोट खाने लायक हैं, उनको चोट पहुंचाने में मुझे एतराज भी नहीं। तो यही है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे धड़े हैं, मतलब काफी सारे धड़े हैं जिन अगर मैं मुझे लगता है कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए तो फिर मैं वहां से उठ के चलाता हूँ कि जबरदस्ती अपने आप को पठान साबित करने की, अमर साबित करने की जरूरत नहीं है, अभी ये बात नहीं कहनी चाहिए। और अभी मैं कहे बगैर रह भी नहीं पाऊंगा तो मैं वहां से उठाता हूँ कि यार मैं चलता हूँ यहाँ से। ऐसा हुआ है कई बार। अच्छा, पहले होता था कि जनरेशन गैप 10-10 साल में, 15-15 साल में होते थे, आजकल पीढ़ियां 3-3 साल, 2-2 साल में बदल जाती है। एक बड़ी अच्छी चीज जो लगती है वो ये कि हर पीढ़ी पीयूष मिश्रा की लेखनी से जरूर इत्तेफाक रखती है। मैं तो अभी भी देखती हूं कि आपकी कही हुई कोई चीज या लिखी हुई कोई चीज को बड़ा सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो गया, कहीं पे भी बड़ा शेयर किया जाता है उसे। तो ये गजब का टैलेंट है आपका, इसके लिए शायद आप कोशिश भी नहीं करते होंगे, लेकिन जो उस समय का युवा है वो पीयूष मिश्रा की सोच का आईना हो जाता है। हाँ, नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे इनके इनके इनकी जुबान पसंद, मुझे एक्चुअली युवाओं को सोच जो है ना आपके, मतलब 20 से लेकर 25 साल का सोच जो है, उसका मानसिक स्तर जो है क्या है, मैं उसे बहुत बड़ा मानता हूँ, मैं उसे बहुत मैच्योर मानता हूँ। मैं उसे जो युवा गुलाल समझ सकता है, जो युवा गुलाल समझ सकता है वो उसका मतलब बहुत ही ज्यादा मेंटली मैच्योर है ना। पहले मुझे भी इसके बारे में गलतफहमी थी तो। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास में जो तीनों भाषाओं का अल्प ज्ञान है, हिंदी का भी, उर्दू का भी और अंग्रेजी का भी। मैं लिखता हूँ कोलोकल भाषा में, बहुत कोलोकल भाषा में लिखता हूँ, जो कि समझ में आए, जो कि जिस भाषा में बोलचाल होती है, जो कि कम्युनिकेट हो। और मेरी भाषा कम्युनिकेट होती है, तो कम्युनिकेट होती है तो लोग बात समझते हैं, उन्हें लगता है कि अभी बड़ी शायरी है, उर्दू शायरी है। गालिब साहब को मैं बड़ा डर के पढ़ता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पाता, उसमें बहुत ही उर्दू के क्लिष्ट वर्ड्स हैं, वर्ड्सवर्थ मैं समझ नहीं पाता कि बहुत ही खतरनाक किस्म का राइटर है ना। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर को मैं बहुत बहुत जोर दे के पढ़ता हूँ, एक एक लाइन को 5 बार पढ़ता हूँ, और क्योंकि वो थिएटर का बंदा है इसलिए मैं शायद समझ पाता हूँ, क्योंकि उसको बोला भी जा सकता है। ऐसे हिंदी के भी जो है, अगर राम की शक्ति पूजा मुझे पढ़ाई जाए तो उसमें 50 चीजें होंगी जो कि मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन 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 मैं जब लिखता हूं तो वो जो है सारे के सारे वर्ड्स जो है समझ में आने वाले होंगे। और उसमें मुझे एतराज नहीं है कि अगर हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का भी लफ्ज आ जाए, कि जैसे अमेरिका के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, जैसे सरेआम अफगानिस्तान का बज गए भैया बैंड, उसमें मुझे मजा आता है और वो समझ में आते हैं लोगों के, वो आसानी समझ में आते हैं लोग। तो इसलिए मुझे, और ये जनरेशन जो है मेरे ख्याल से, मैं इनके बच्चों के साथ ये जो अभी चल रहे हैं ना 20-25 साल, अगर मैं जिंदा तो रहूंगा, मैं खैर 20 साल तक रहूंगा, अगर रहा तो मैं इनके बच्चों के साथ भी मैं इतना ही सहज होकर बात कर तो मैं बूढ़ा नहीं हो रहा। हाँ, बूढ़ा साला क्यों, बूढ़ा मानसिक तौर पर हुआ जाता है, बूढ़ा मानसिक तौर पर। मेरा एक दोस्त है, मैंने नाम लिया उसका, रवि उपाध्याय मेरा ग्वालियर में दोस्त था। अब उसका पोता है मतलब आज की तारीख में वो ये 17 साल का है, मेरी कल परसों उससे बात हुई है, उसका उनका पोता है। उससे मैं ऐसे बात कर रहा था, मैंने बात करने के बाद महसूस किया कि यार तुम आदमियों की जो फटी चेयर, मतलब ऐसे बात करते हो जैसे कि यार से बात कर रहे हो।
मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जिनके बच्चों से मैं ज्यादा रिलेट करता हूँ दोस्तों के अलावा, क्योंकि उनसे मैं बात कर सकता हूँ, उनसे उनके सब्जेक्ट से बात कर सकता हूँ, बात करने से ज्यादा उनकी बात सुनता हूँ। असली बात यह है कि आई एम ए वेरी गुड लिसनर, कि उनकी बात सुनना मैं बड़ा पसंद करता हूँ, तो उन्हें अपनी बात बताने में बड़ा मजा आता है। ये तो पीयूष अंकल सुन रहे हैं, पीयूष सर सुन रहे हैं, कुछ लोग पीयूष अंकल बोलते हैं, कुछ लोग पीयूष सर बोलते हैं, ये लोग तो हमारी बात सुनी जा रही है और बड़े आसानी से सुन जा रही है, और साथ में हमको ज्ञान भी नहीं दिया रहा। ये बंदा हमें ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं इतना अच्छा लिखता हूँ और मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ और मैं इतना अच्छा गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये जो है सुन रहा, आराम से सुन रहा, हमारी बात सुन रहा, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। इनकलाब जिंदाबाद, मुझे बड़े यंगस्टर्स मुझे बड़े पसंद है, बड़े पसंद है।